पनीर पॉपकॉर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 100 ग्राम पनीर। ये होममेड पनीर है और इसकी रेसिपी आपको चाहिए हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी लिंक है। और इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो इसे एक बड़ा सा बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, सूखे हुए कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1/4 टीस्पून, यानी भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। गरम मसाला पाउडर 1 पिंच, बस चुटकी भर, ये ऑप्शनल है। रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को साथ में मिक्स कर देंगे ताकि पनीर में ये सारे मसाला कोट हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा ले लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। अब इसको पानी के साथ मिलाकर एक घोल बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। थोड़े थोड़े पानी डालते हुए घोल बना ले, एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी ना डाले। तो ये देखिए, ये बैटर यानी कि घोल तैयार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, पनीर का एक एक पीसेस लेंगे, इस घोल में कोट करेंगे। ये जो मैंने चम्मच ले लिया है, इसके निचले हिस्से में छेद है, तो जो एक्सेस बैटर है वो नीचे गिरते जाएंगे और इसको सीधा ड्रिप करेंगे यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब में। तो ये देखिए, पनीर को ऐसे ब्रेड क्रम में कोट कर ले और इसे ऐसे निकालते जाए। ऐसे सारे पनीर को ब्रेड क्रम में कोट कर ले। अगर ऐसा लगे कि कोटिंग ठीक तरह से नहीं हुआ है तो इस प्रोसेस को दोबारा दोहराइए। तेल यहाँ पर गर्म हो चुके हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके इसमें पनीर पॉपकॉर्न डालते जाए और गोल्डन होने तक इसे फ्राई करें। एक ही बार में बहुत ज़्यादा ना डालें। ये फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे और बाकी सारे जो है उसे भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, पनीर पॉपकॉर्न बनके तैयार हो चुके हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और मेरे रेसिपीज पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching my video.